इंडिया गठबंधन के लिए क्या है, विपक्ष में बैठने के लिए या सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए? और आप दोनों सीटों से जीते हैं, बधाई। आप कौन सी सीट रखने वाले? नहीं, सब दोनों सीटों से जीता हूं और रायबरेली और वायनाड के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा। नतीजों के बाद राहुल गांधी से सबसे बड़ा सवाल यही था कि वो रायबरेली सीट से सांसद रहेंगे या वायनाड से। तब राहुल ने डिसाइड नहीं किया था, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अब राहुल ने मन बना लिया है। सूत्रों का दावा है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से ही संसद का सफर तय करेंगे। दरअसल केरल की वायनाड लोकसभा सीट से राहुल गांधी ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। यहां उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआई की एनी राजा को 3,64,000 वोट के अंतर से हराया है। इस बार उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट पर भी राहुल की जीत शानदार रही है। 3,90,000 वोट का बड़ा गैप है। दोनों ही जगह की जनता ने दिल खोलकर राहुल गांधी पर प्यार लुटाया है, लेकिन राहुल ने रायबरेली के साथ आगे जाने का मन बनाया है। वैसे तो कई वजह है, लेकिन एक खास वजह राहुल गांधी के इस बयान में छुपी है। ताज़े मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया यूपी के जनता ने, कमाल करके दिखा दिया। नहीं नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं। आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल रायबरेली ही नहीं, समूचे उत्तर प्रदेश ने राहुल और अखिलेश की जोड़ी पर दिल खोलकर प्यार लुटाया है। और 2024 के चुनाव के बाद राहुल गांधी को समूचे उत्तर भारत समेत उत्तर प्रदेश से उम्मीदें जग गई हैं। इसके साथ ही 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की राह भी राहुल को अभी से दिखाई देने लगी है। ये तो हुई सियासी गुणागणित की बात, लेकिन बात यह है कि वायनाड के मुकाबले रायबरेली में राहुल गांधी की जीत का मार्जिन ज्यादा है और रायबरेली से राहुल का खानदानी नाता है। ये सीट उनकी मां सोनिया गांधी की पूर्व संसदीय सीट भी है। शायद वायनाड की जगह रायबरेली चुनने की ये भी खास वजह रही हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।